सर्वमंगल मांगल्ये शिवेशर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। राशिफल पंचांग में आपका स्वागत है। 25 और 26 जून के दैनिक राशिफल में हम बात करेंगे मेष राशि वालों से लेकर मीन राशि वालों के लिए ये दोनों दिन कैसे रहेंगे, इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्र की स्थिति कैसी रहेगी और उसका प्रभाव आपके दिनचर्या पर कैसा रहने वाला है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो अपने राशिफल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं 25 जून की। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, 5 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, सिद्धि योग और व्यतिपात योग। और चंद्रमा का संचार सिंह राशि में 4:52 तक होगा, उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर 12:52 तक रहेगा। राहुकाल 5:38 से लेकर 7:23 तक रहेगा। वहीं 26 जून शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी है और केतु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। 26 जून को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और अभिजीत मुहूर्त 11:56 से लेकर 12:52 तक रहेगा। वही राहुकाल 7:10 से लेकर 8:54 तक रहेगा। राहुकाल के समय कोई भी नया व शुभ कार्य न करे, विघ्न आ सकते। चलिए बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि वालों, घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। इसके अलावा माता या पिता के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, आलस्य की अधिकता देखने को मिलेगी, परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए ये दोनों दिन सामाजिक आयोजन हो सकता है। इसके अलावा आपके लिए थोड़ी सी थकान की अनुभूति इन दो दिनों में देखने को मिलेगी। मेष राशि वालों, आपके लिए भाग्यांक 2 है और भाग्यशाली रंग आपके लिए हरा है। वृषभ राशि वालों के लिए ये दोनों दिन बहुत ही शुभ रहने वाले हैं, खास करके नौकरी मान सम्मान में वृद्धि होगी, अवसरों का सहयोग मिलेगा, हालांकि कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रह सकती है। क्रोध में आने से बचे, व्यस्तता वाला दिन रहेगा और कारोबार में विस्तार होगा, लाभ के अवसर भी आपको मिलेंगे, मित्रों से मतभेद हो सकते हैं और खर्च में वृद्धि होगी, तो आपको अनावश्यक खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। भाग्यांक वृषभ राशि वालों के लिए 5 है, भाग्यशाली रंग ग्रे है। मिथुन राशि वालों, ये दोनों दिन आपको क्रोध में आने से बचना होगा और जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचें, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वाणी में कठोरता का प्रभाव हो सकता है, तो अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, वाहन के रखरखाव पर आप धन खर्च कर सकते हैं, नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। मिथुन राशि वालों, ये दोनों दिन आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है, नई योजनाएं आप बना सकते हैं, बिजनेस में व्यापार हो सकता है, धार्मिक कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए भाग्यांक 2 और भाग्यशाली रंग हरा है। कर्क राशि वालों, मन आपका ये दो दिन प्रसन्न रहेगा, साथ ही छात्रों के लिए समय बहुत ही अच्छा है, कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, हालांकि ये दो दिन थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव हो सकता है क्योंकि बहुत ही व्यस्तता वाला दिन रहेगा। इसके अलावा बातचीत करते समय तो अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, तो इससे आपके कई कार्य आसानी से पूरे हो सकेंगे और इन दो दिनों में भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, दांपत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। कर्क राशि वालों, भाग्यांक आपके लिए 4 है, भाग्यशाली रंग आपके लिए नारंगी है। सिंह राशि वालों, ये दोनों दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा रहने वाला है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी आपका बढ़ेगा, तो थोड़ा बजट बनाकर चले, धार्मिक स्थान की यात्रा करने का प्रोग्राम बना सकते हैं और धर्म के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इसके अलावा नौकरी में तरक्की के अवसर आपको मिलेंगे, कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ हो सकता है, ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग आपको मिल सकता है और जीवन साथी के सहयोग से किसी नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, मन में आपके सकारात्मकता देखने को मिलेगी। भाग्यांक आपके लिए 3 और भाग्यशाली रंग लाल है। कन्या राशि वालों, ये
दोनों दिन आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि नौकरी व्यापार के लिए समय अनुकूल है, कारोबार में लाभ के अवसर आपको मिल सकते हैं, मित्र के सहयोग से कोई पुराना कार्य आपका पूरा हो सकता है, कुछ पुराने मित्रों से भी आपकी भेंट हो सकती है और उनके सहयोग से नौकरी के अवसर भी आपको मिल सकते हैं, आमदनी में वृद्धि होगी, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा, अपने कार्य के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, जीवन साथी आज कोई अच्छी खबर आपको सुना सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए भाग्यांक 5 और भाग्यशाली रंग हरा है। तुला राशि वालों, ये दोनों दिन आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगा, कारोबार में लाभ की प्राप्ति होगी, इसके अलावा इन दो दिनों में पुराना निवेश आपको लाभ दे सकता है, नौकरी में विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी, अफसरों से मतभेद हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और साथ ही अपने वाद विवाद की स्थिति से दूर रहना होगा और स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा, उतार चढ़ाव स्वास्थ्य में देखने को मिल सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा इन दो दिनों में, खास करके जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए बहुत ही खास ये दोनों दिन रहने वाले हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए भाग्यांक 4 और भाग्यशाली रंग नीला है। वृश्चिक राशि वालों, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि देखने को मिलेगी, आप अति उत्साहित होने से इन दो दिनों में बचें, नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, जल्दबाजी में कोई भी कार्य करने से बचें और कारोबारी जो कार्य है उसमें कुछ डिले हो सकता है, कुछ रुकावट आ सकती है, साथ ही स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, इन दो दिनों में कोई सुखद समाचार नौकरी करने वाले जातकों को मिल सकती है। वृश्चिक राशि वालों, जो लोग नौकरी करते हैं, अच्छा बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों, आप भाग्यांक आपके लिए 6 है, भाग्यशाली रंग आपके लिए हरा है। धनुराशि वालों के लिए ये दोनों दिन बहुत ही सुखद रहने वाले हैं, लेकिन मन हालांकि आपका प्रसन्न रहेगा लेकिन धैर्यशीलता की कमी देखने को मिल सकती है, आमदनी में वृद्धि होंगे, साथ ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण आप रहेंगे, कला और संगीत के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, घर परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, कामकाज निपटाने के लिए आपको कुछ नए तरीके मिलेंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी, भौतिक सुविधाओं में धन खर्च आप कर सकते हैं और ऑफिस में काम की अधिकता देखने को मिलेगी जिससे थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। भाग्यांक आपके लिए 5, भाग्यशाली रंग हरा है। मकर राशि वालों, नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, परिश्रम की अधिकता देखने को मिलेगी, संतान सुख में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी लेकिन खर्च आपका बढ़ेगा, साथ ही घर में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल है, सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे और इन दो दिनों में मकर राशि वालों कोई पुराना कार्य आप महत्वपूर्ण कार्य आपका पूरा हो सकता है, इसमें आप व्यस्त रह सकते हैं, साथ ही गुस्सा करने से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। भाग्यांक आपके लिए 2 है, भाग्यशाली रंग लाल है। कुंभ राशि वालों, ये दोनों दिन आपके कोई रुके हुए कार्य आपके पूरे हो सकते हैं, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे, आमदनी आपकी बढ़ेगी लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ेगा, बजट बनाकर चलें, क्रोध करने से बचें, जल्दबाजी में कोई कार्य करने से बचें, जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, मित्रों के सहयोग से कोई पुराना कार्य आपका पूरा हो सकता है। कुंभ राशि वालों, इन दो दिनों में कोई ज़रूरी काम आप निपटाने में सफल रहेंगे और साथ ही विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। कुंभ राशि वालों, जो लोग अविवाहित हैं, विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कुंभ राशि वालों, भाग्यांक आपके लिए 4 है, भाग्यशाली रंग नीला है। मीन राशि वालों के लिए ये दोनों दिन बहुत ही शुभ रहने वाले हैं, वाणी में मधुरता रहेगी, नौकरी विदेश जाने के योग बन रहे हैं, खर्च की में अधिकता देखने को मिल सकती है और नौकरी में परिवर्तन की संभावना बन रही है, खर्च में वृद्धि होगी,
तो बजट बनाकर चलें। स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मीन राशि वालों, कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और इन दो दिनों में जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं और बच्चों की ओर से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। भाग्यांक एक और भाग्यशाली रंग आपके लिए हरा है। आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे विदा लेते हैं, अगले राशिफल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।